खीमजी भाई दिहाड़ी के मजदूर थे, जिनका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। पर गर्भावस्था के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाने की वजह से खीमजी भाई बहुत उदास रहने लगे थे। सदमा लगने के बाद खीमजी भाई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वह हर रोज भरौच स्टेशन से अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ते और उसमें भीख मांगते। अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, गरीब की मदद करो। तुम मेरी मदद करोगे, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। वह शाम को लौटकर अपने गांव आ जाते और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वह लोगों की जरूरत पूछकर कभी किताबें, कभी दवाइयां और कभी नवजात शिशु के लिए टीके लेकर आते। बच्चे उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। खीमजी भाई स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वह रास्ते में बैठी उदास राधिका को देखते हैं। वह उसके पास जाते हैं। अरे राधिका बिटिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं काका, मेरे पास मैथ की किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं और मैडम बिना किताब के क्लास में बैठने नहीं देती। अरे राधिका बिटिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझको किताब का नाम लिख कर दो, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आऊंगा। राधिका बहुत खुश हो जाती है और खीमजी भाई को किताब का नाम लिख कर देती है। फिर खीमजी भाई एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक बहुत ही परेशान महिला बाहर निकलती है। अरे उर्मिला बहन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उसको? हाँ मोटा भाई, मेरे बच्चे को दस्त लग गए हैं और हमारे गांव में दवाइयां ही नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उर्मिला बहन, तुम परेशान मत हो, मैं शहर जाकर तुम्हारे मुन्ने के लिए दवाई ले आऊंगा। खीमजी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन बच्चे इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। हम भी नया साल मनाएंगे, क्या कहते हो दोस्तों? हाँ, हम भी दिए जलाएंगे। मैं अपने बापू को बोलकर मिट्टी के दिए बनवा लूंगी। बबलू, तुम 10 रुपए की टॉफियां लेते आना। मैं लाल टोपी ले आऊंगी। मैं लाल पजामा ले आऊंगा और सुंदर तुम लाल कुर्ता ले आना, फिर हम सब मिलकर नया साल मनाएंगे। नए साल की पहले वाली शाम को सब बच्चे सारे सामान के साथ पार्क में इकट्ठा होते हैं। किसी को पता है कि काका कहाँ रहते हैं? हाँ, मैंने उन्हें आम के पेड़ के पास वाली झुग्गी से निकलते हुए देखा है, वो शायद वहीं रहते हैं। चलो सब चलकर देखते हैं। सभी बच्चे झुग्गी के अंदर जाते हैं। खीमजी भाई चारपाई पर बैठे हुए हैं। बच्चों को देखकर वे बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, आज सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर कैसे? आज आपसे हमें एक चीज मांगनी है। हाँ हाँ बताओ, क्या मांगना है? क्या आप हमारे लिए आज रात यह कपड़े पहनोगे? ये क्या है? क्या आप नहीं पहनोगे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे लाए हैं, मैं जरूर पहनूंगा। यह कहकर बच्चे घर के बाहर निकल जाते हैं और खीमजी भाई कपड़े लेकर तैयार होने लग जाते हैं। काका, अगर पहन लिए हैं तो बाहर आ जाओ। अरे लेकिन ये कपड़े तो बहुत ढीले हैं। काका पहनो ना। अच्छा बाबा, पहन रहा हूँ। सभी बच्चे बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही खीमजी भाई बाहर आते हैं, वैसे ही सभी बच्चे एक साथ जोर से बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर काका, आप ही हमारे सांता हो। और यह सुनकर खीमजी भाई की आंखें छलक जाती हैं और वह सभी बच्चों को प्यार से गले लगा लेते हैं। आपके अनुसार क्या खीमजी भाई में सांता की छवि दिखती है? जिस तरह से सांता सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है, उसी तरह से खीमजी भाई ने भी गांव के सभी लोगों की बिना किसी मतलब के सारी जरूरत। खीमजी भाई दिहाड़ी के मजदूर थे, जिनका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था।
पर गर्भावस्था के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाने की वजह से खिमजी भाई बहुत उदास रहने लगे थे। सदमा लगने के बाद खिमजी भाई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वह हर रोज भरौच स्टेशन से अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ते और उसमें भीख मांगते। अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, गरीब की मदद करो, तुम मेरी मदद करोगे, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। वह शाम को लौटकर अपने गांव आ जाते और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वह लोगों की जरूरत पूछकर कभी किताबें, कभी दवाइयां और कभी नवजात शिशु के लिए टीके लेकर आते। बच्चे उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। खिमजी भाई स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वह रास्ते में बैठी उदास राधिका को देखते हैं। वह उसके पास जाते हैं। अरे राधिका बिटिया, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं काका, मेरे पास मैथ की किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं और मैडम बिना किताब के क्लास में बैठने नहीं देती। अरे राधिका बिटिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझको किताब का नाम लिख कर दो, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आऊंगा। राधिका बहुत खुश हो जाती है और खिमजी भाई को किताब का नाम लिख कर देती है। फिर खिमजी भाई एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक बहुत ही परेशान महिला बाहर निकलती है। अरे उर्मिला बहन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उसको? हाँ मोटा भाई, मेरे बच्चे को दस्त लग गए हैं और हमारे गांव में दवाइयां ही नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उर्मिला बहन, तुम परेशान मत हो, मैं शहर जाकर तुम्हारे मुन्ने के लिए दवाई ले आऊंगा। खिमजी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन बच्चे इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। हम भी नया साल मनाएंगे, क्या कहते हो दोस्तों? हाँ, हम भी दिए जलाएंगे। मैं अपने बापू को बोलकर मिट्टी के दिए बनवा लूंगी। बबलू, तुम 10 रुपए की टॉफियां लेते आना। मैं लाल टोपी ले आऊंगी। मैं लाल पजामा ले आऊंगा और सुंदर तुम लाल कुर्ता ले आना, फिर हम सब मिलकर नया साल मनाएंगे। नए साल की पहले वाली शाम को सब बच्चे सारे सामान के साथ पार्क में इकट्ठा होते हैं। किसी को पता है कि काका कहाँ रहते हैं? हाँ, मैंने उन्हें आम के पेड़ के पास वाली झुग्गी से निकलते हुए देखा है, वो शायद वहीं रहते हैं। चलो सब चलकर देखते हैं। सभी बच्चे झुग्गी के अंदर जाते हैं। खिमजी भाई चारपाई पर बैठे हुए हैं। बच्चों को देखकर वे बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, आप सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर कैसे? आज आपसे हमें एक चीज मांगनी है। हाँ बताओ, क्या मांगना है? क्या आप हमारे लिए आज रात यह कपड़े पहनोगे? ये क्या है? क्या आप नहीं पहनोगे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे लाए हैं, मैं जरूर पहनूंगा। यह कहकर बच्चे घर के बाहर निकल जाते हैं और खिमजी भाई कपड़े लेकर तैयार होने लग जाते हैं। काका, अगर पहन लिए हैं तो बाहर आ जाओ। अरे लेकिन ये कपड़े तो बहुत ढीले हैं। काका पहनो ना। अच्छा बाबा, पहन रहा हूँ। सभी बच्चे बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही खिमजी भाई बाहर आते हैं, वैसे ही सभी बच्चे एक साथ जोर से बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर काका, आप ही हमारे सांता हो। और यह सुनकर खिमजी भाई की आंखें छलक जाती हैं और वह सभी बच्चों को प्यार से गले लगा लेते हैं। आपके अनुसार क्या खिमजी भाई में सांता की छवि दिखती है? जिस तरह से सांता सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है, उसी तरह से खिमजी भाई ने भी गांव के सभी लोगों की बिना किसी मतलब के सारी जरूरतें पूरी की। खिमजी भाई दिहाड़ी के मजदूर थे, जिनका एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। पर गर्भावस्था के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो जाने की वजह से खिमजी भाई बहुत उदास रहने लगे थे। सदमा लगने के बाद खिमजी भाई भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वह हर रोज भरौच स्टेशन से
अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ते और उसमें भीख मांगते। अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, गरीब की मदद करो, तुम मेरी मदद करोगे, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। वह शाम को लौटकर अपने गांव आ जाते और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वह लोगों की जरूरत पूछकर कभी किताबें, कभी दवाइयां और कभी नवजात शिशु के लिए टीके लेकर आते। बच्चे उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। खिमजी भाई स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वह रास्ते में बैठी उदास राधिका को देखते हैं। वह उसके पास जाते हैं। अरे राधिका बिटिया, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं काका, मेरे पास मैथ की किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं और मैडम बिना किताब के क्लास में बैठने नहीं देती। अरे राधिका बिटिया, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझको किताब का नाम लिख कर दो, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आऊंगा। राधिका बहुत खुश हो जाती है और खिमजी भाई को किताब का नाम लिख कर देती है। फिर खिमजी भाई एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक बहुत ही परेशान महिला बाहर निकलती है। अरे उर्मिला बहन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उसको? हाँ मोटा भाई, मेरे बच्चे को दस्त लग गए हैं और हमारे गांव में दवाइयां ही नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उर्मिला बहन, तुम परेशान मत हो, मैं शहर जाकर तुम्हारे मुन्ने के लिए दवाई ले आऊंगा। खीमजी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन बच्चे इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। हम भी नया साल मनाएंगे, क्या कहते हो दोस्तों? हाँ, हम भी दिए जलाएंगे। मैं अपने बापू को बोलकर मिट्टी के दिए बनवा लूंगी। बबलू, तुम 10 रुपए की टॉफियां लेते आना। मैं लाल टोपी ले आऊंगी। मैं लाल पजामा ले आऊंगा और सुंदर तुम लाल कुर्ता ले आना, फिर हम सब मिलकर नया साल मनाएंगे। नए साल की पहले वाली शाम को सब बच्चे सारे सामान के साथ पार्क में इकट्ठा होते हैं। किसी को पता है कि काका कहाँ रहते हैं? हाँ, मैंने उन्हें आम के पेड़ के पास वाली झुग्गी से निकलते हुए देखा है, वो शायद वहीं रहते हैं। चलो सब चलकर देखते हैं। सभी बच्चे झुग्गी के अंदर जाते हैं। खिमजी भाई चारपाई पर बैठे हुए हैं। बच्चों को देखकर वे बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, आप सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर कैसे? आज आपसे हमें एक चीज मांगनी है। हाँ हाँ बताओ, क्या मांगना है? क्या आप हमारे लिए आज रात यह कपड़े पहनोगे? ये क्या है? क्या आप नहीं पहनोगे? नहीं नहीं, मेरे बच्चे लाए हैं, मैं जरूर पहनूंगा। यह कहकर बच्चे घर के बाहर निकल जाते हैं और खिमजी भाई कपड़े लेकर तैयार होने लग जाते हैं। काका, अगर पहन लिए हैं तो बाहर आ जाओ। अरे लेकिन ये कपड़े तो बहुत ढीले हैं। काका पहनो ना। अच्छा बाबा, पहन रहा हूँ। सभी बच्चे बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही खिमजी भाई बाहर आते हैं, वैसे ही सभी बच्चे एक साथ जोर से बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर काका, आप ही हमारे सांता हो। और यह सुनकर खिमजी भाई की आंखें छलक जाती हैं और वह सभी बच्चों को प्यार से गले लगा लेते हैं। आपके अनुसार क्या खिमजी भाई में सांता की छवि दिखती है? जिस तरह से सांता सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है, उसी तरह से खिमजी भाई ने भी गांव के सभी लोगों की बिना किसी मतलब के सारी जरूरतें पूरी की।